सर तो नजदीक आइए ना। हमेशा सपोर्ट करूंगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक बहुत बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है हमारे सरकार के द्वारा, और उसके साथ में ये मार्शल आर्ट्स है सर जो हमारे यहाँ पे रियाज सर साथ में खड़े हैं। जिमनास्टिक के मैं जिमनास्टिक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, दीपा कर्माकर जो ओलंपिक में पहली बार इंडिया में जो ओलंपिक में आई, तो हम लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी खिलाओ, ये हमारा और एक स्लोगन है। तो मैं बहुत प्राउड और आई एम वेरी हम्बल टू बी एसोसिएटेड विद सच अ ब्यूटीफुल कॉज, और मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ आज यहाँ आकर, क्योंकि मैं खुद मेरी मॉम ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि अभी जो जैसे आपने देखा कि दिल्ली में मुंबई में साथ जो इसके लिए सेल्फ डिफेंस कितना इम्पोर्टेंट है और स्टार्ट करनी चाहिए ऐसा लगता है? ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। वुमेन सेफ्टी वुमेन प्रोटेक्शन बहुत बहुत सीरियस इशू हो गया है, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ हम पढ़ते हैं नींद से उठते हैं हम ऐसी खौफनाक चीज़ें पढ़ते हैं दिल दहल जाता है सबके। तो मुझे लगता है सेल्फ डिफेंस तो सबको आना चाहिए, लड़कियों को तो खासतौर पर आना चाहिए, और मुझे तो लगता है लड़कों को भी आना चाहिए सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा आत्मसुरक्षा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबको सीखना चाहिए, अपने आप को बचाना हम सबको आना चाहिए, और सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए। जैसे यग्नेश सर ने अभी कहा कि आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, आप जब मार्शल आर्ट करते हैं तो आप मेंटली भी और स्ट्रांग ज़्यादा हो जाते हैं, एंड यू बिकम वेरी हम्बल एज अ पर्सन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर योर मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस, हम मेंटल फिटनेस को इग्नोर करते हैं, मेंटल फिटनेस उतनी ही इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। राजनी इसके अलावा फिल्म फ्रेटर्निटी का एज अ हिस्सा पद्मावती की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या व्यूज है आपके? दीपिका को जिसका जो थ्रेट किया गया है आप क्या कहना चाहेंगे? नाक काट देंगे उसका कहा गया मैडम कैमरा। इट्स यू नो सुन के अच्छा नहीं लगता है, ये आप किसी के भी बारे में सुनेंगे ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो कोई एक्टर हो वो कोई नॉर्मल इंसान हो, इस पर क्या मैं कमेंट करूँ वो मुझे पता नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं है तो फिल्म देखे बगैर मैं कोई टेक्निकल टिप्पणी करूँ इट डजंट मेक एनी लॉजिक टू मी एटलीस्ट, एंड आई फील बैड। आप किसी के भी बारे में ऐसी बात करते ना तो तकलीफ तो होती है, एंड एज एन आर्टिस्ट हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तब जाके हम अपने इमोशंस अपना स्क्रीन पर दर्शा पाते हैं, तो आर्टिस्टों को वैसे मतलब हमारा काम है आपको एंगेज करना एंटरटेन करना अपने आर्ट के द्वारा अपने काम के द्वारा, तो हम तो आर्टिस्ट तो प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें ऐसी सब चीज़ें सुन के ना बहुत घबराहट होती है। कहने के सॉफ्ट टारगेट होते हैं ऐसा लगता है आपको, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों सिर्फ पद्मावती ने इससे पहले भी बहुत सारी फिल्मों के साथ ऐसा हो चुका है कि फिल्मों के साथ होता है लोगों के साथ कितने हादसे हो जाते हैं, बुराई तो हर जगह है, उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं उसको कैसे सेंसिबली टैकल करते हैं कैसे सेंसिबली उसको ओवरकम करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। बोलते ना जैसे मेरी मॉम ने एक बात पूछी थी कि ब्लंडर्स तो सब करते थे, ब्लंडर्स तो सबके साथ हो जाते हैं, उनको आप ओवरकम कैसे करते हो उनको आप करेक्ट कैसे करते हो वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। तो अब मैं उम्मीद करूंगी कि इस फिल्म को जस्टिस मिले, लोगों को जस्टिस मिले, जो लोगों की एक भावना है सब फीलिंग्स पे चल रहा है ना, डायरेक्टर की फीलिंग है आर्टिस्ट की फीलिंग है ऑडियंस की एक अपनी फीलिंग है, तो सबकी फीलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए जो एक मिडवे निकले जो सरकार निकाले और जो सब सोच समझ के जो विज्ञान जो इंटेलिजेंट और सीनियर लोग हैं वो आई थिंक विल बी द राइट थिंग। आपकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया आपकी फिल्म आई थी तो उस पर जी गुड़गांव को बहुत बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला है, और मैं इतनी प्राउड हूँ उस फिल्म को लेकर, मैं इतनी खुश हूँ बिकॉज किसी फिल्म को जब आप इतना हार्ट एंड सोल दे देते हैं और फिर उसको उसी नज़रिए से रिसीव किया जाता है तो एक आर्टिस्ट के लिए उससे बेहतर चीज़ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड एंड आई होप जो भी मैं अगला साइन करूँ उसको लोग उसको उसकी राइट सेंस मिले और जैसा हम बोलना चाहते हैं वही सही कम्युनिकेशन हो हमारे काम के द्वारा। बॉलीवुड से कोई अप्रिसिएशन मिला कोई स्टार सलमान सर या किसी? सबसे अप्रिसिएशन मिला है मुझे इनफैक्ट सलमान सर से, मैं उनसे दिवाली में मिली थी, ही इज़ वेरी जेनरस एंड आई लुक अप टू हिम एंड their family and I'm very humbled to be a part of to be a very little part of this very big fraternity. थैंक यू क्योंकि मार्शल आर्ट्स को कोई सपोर्ट नहीं करता और मैं इससे अच्छा नहीं जानता, मतलब मैं इससे अच्छा कोई नहीं जान सकता है क्योंकि मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग आए मार्शल आर्ट्स सपोर्ट करें किसी भी फॉर्म का मार्शल आर्ट्स हो, एंड आई हैट्स ऑफ टू मिस्टर यग्नेश शेट्टी दैट ही गॉट दिस आंदोलन को कितना फर्क पड़ेगा इस तरह बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि ना मार्शल आर्ट्स सिर्फ फाइट के लिए नहीं होता है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होता है कॉन्फिडेंस के लिए होता है। अगर आपकी बेटी या आप आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स मोस्टली
बट पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को मार्शल आर्ट ज़रूर सिखाएं, या लड़का हो या लड़की हो, डजंट मैटर सो मच, लेकिन लड़की हो तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है और हमारे हिंदुस्तान को इसकी बहुत ज़्यादा। आपको अपनी सुरक्षा के लिए कभी यूज़ करना पड़ा? जी हाँ, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, 3 साल की उम्र से कर रही हूँ, मुझे जब मौका मिलता है मैं यूज़ करती हूँ।